नीमा स्थापना दिवस पर जेपी हॉस्पिटल नोएडा द्वारा किडनी रोग CME का हुआ मुजफ्फरनगर के एक होटल में कार्यक्रम आयोजित। 13 अप्रैल नीमा का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर एक विशेष CME डॉक्टर अशोक शर्मा एवं डॉक्टर सुभाष चौहान की अध्यक्षता एवं संचालन में तथा मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि कुमार जेपी हॉस्पिटल नोएडा के नेफ्रोलॉजी विभाग एवं किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ की उपस्थिति में आयोजन किया गया। सर्वप्रथम धन्वंतरी माल्यार्पण दीप प्रज्वलन एवं स्तुति डॉक्टर ऋषि भारद्वाज डॉक्टर अशोक शर्मा डॉक्टर सुभाष चौहान डॉक्टर ब्रजेश शास्त्री डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल एवं मुख्य अतिथि द्वारा की गई। आज की मीटिंग में युवा चिकित्सकों की उपस्थिति विशेष चर्चा का विषय रही, जिसका सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। स्टोन्स बन रहे हैं बार बार, तो रिकरेंट का स्थापना दिवस जो हमारा हुआ है, जो 13 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है, उसका आयोजन किया गया और उसके लिए स्वास्थ्य संबंधी एक कार्यक्रम जेपी हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें गुर्दे रोग अर्थात किडनी फेल्योर क्यों होते हैं, क्या उसके कारण हैं, उससे कैसे बचा जाए के बारे में जानकारी सभी को दी गई। साथ ही आज नीमा स्थापना दिवस पर हम लोग आयुष अर्थात इंटीग्रेटेड मेडिसिन के द्वारा आधुनिक और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी इन सबसे चिकित्सा कैसे करें और समाज में सभी को लाभ कैसे हो, इसकी स्थापना दिवस पर एक संकल्प लेकर हमने सभी को एक मैसेज और संदेश पहुंचाया है। और चिकित्सकों के द्वारा जो आज ये CME आयोजित की गई, इसमें भी इसी का योगदान इस रूप में रहेगा कि हम सभी को बहुत आसान सस्ता और सही तरीका रोगों से बचाव का बता सकें। तो लोग खैर जानते हैं, मैं डॉक्टर AK सिद्दीकी खालिद नाम से मैं मशहूर हूँ सारे में। आज नीमा का एक प्रोग्राम था ग्रीन एप्पल होटल में, और यहाँ पर जो है हमारे JP हॉस्पिटल से डॉक्टर रवि साहब आए, जिन्होंने किडनी डिजीज़ के ऊपर जो है जानकारियाँ दी हैं। और मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ अपनी जो मीडिया के आप लोग हैं, आप हमारा सहयोग करते रहते हैं दिन बाय दिन, मैं आपका आभारी हूँ इस बात के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी जो है आप हमारा इस तरह ही सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।